हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पुखना ब्लॉग से आपका ढेर सारा पहले तरह से वेलकम करती हूँ। टाइम है वो है मॉर्निंग का, फ्रेंड सारा काम हमारा हो चुका है, सिर्फ पूछा नहीं लगा है। क्योंकि जो हैप्पी का टाइमिंग है वो मतलब पहले तो 8 बजे था और अब है, अब 7 बजे उनकी गाड़ी आ जाती है, लेकिन इतनी जल्दी हमसे नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो घर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है पोछा वगैरह लगाने में। तो इस वजह से खूब, मैं ऐसा नहीं जल्दी उठती नहीं, जल्दी उठती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाना, फिर इसके बाद हैप्पी को रेडी करना, खुद नहाना, पूजा करना, इसी में फ्रेंड्स पता नहीं चलता कितने जल्दी टाइम निकल जाता है। तो इसी वजह से कोई बात नहीं है, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ, जहाँ पूजा करती हूँ बस वहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, बाकी मैं पोछा बाद में लगाती हूँ। जब सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं तब मैं अपना काम पोछा वाला करती हूँ। अभी मुझे बनाना है नाश्ता, क्योंकि फ्रेंड्स नाश्ता मैं क्या बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिश हो रही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल बंद है और हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और इस वजह से फ्रेंड्स बारिश के मज़े में तो बस पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा मिर्च रखी हुई थी मोटी वाली, तो इनको बहुत ज़्यादा मिर्च के पकौड़े पसंद है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सबको बनाना आता है, इस वजह से तो हर कोई बना लेता है, क्या फ़ायदा वीडियो को लेंथी करना, है ना। और न्यू तो कोई रेसिपी है नहीं, न्यू अगर रेसिपी बनाते तो आपके साथ हम पूरी फुल शेयर करते। और फ्रेंड्स चलते हैं, और बिटिया रानी को भी लेट ना हो, और लंच में बनाएंगे पनीर की सब्जी, तो वो भी शेयर करने वाले नहीं है, सबको बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता है, सब लोग बना लेते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स किचन में, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अगर बात करेंगे तो वीडियो हमारा यहीं पे लेंथी हो जाएगा और बिटिया रानी है वो हमारी लेट हो जाएंगी, मुंह बना के खड़ी हैं कि मम्मा बस आप अपना ब्लॉग ही बनाती रहो, हमें बिल्कुल रेडी मत करो, क्योंकि इनकी चोटी वोटी मुझे बनानी पड़ती है, तो फ्रेंड्स टाइम लगता है बहुत जल्द। सुबह मतलब ये होता है कि सुबह का काम होता है वो इतना भाग दौड़ वाला, इतना जल्दी वाला होता है, बस ऐसा लगता है कहीं किसी की ट्रेन छूटी जा रही हो तो इनकी गाड़ी ना छूट जाए। इनका तो मतलब टाइम अपना फिक्स है, 10 बजे जाते हैं, इनका कोई जल्द इनकी कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। पापा को भी कहीं जाना नहीं होता है, लेकिन पापा को सुबह 9 से 9:30 के बीच में उन्हें नाश्ता मिले तो ठीक है, लेकिन उनको खाना चाहिए होता है, तो उनके लिए हमें खाना बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। भले ही हम नाश्ते में कितना भी हैवी नाश्ता बना लें, लेकिन फिर भी हमें खाना बनाना पड़ता है, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो नाश्ता वास्ता बहुत कम करते हैं, उनको खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके बहाने हम लोग भी खाना खा लेते हैं तो ताकत भी आती है, वरना नाश्ता बना लेते थे तो पूरा टाइम दिन हमारा ऐसे ही चला जाता था, और पहले बहुत ताकत भी नहीं थी, सच बता रही हूँ। और अब पापा को बनाते हैं तो लगता है चलो दो दो रोटी हम लोग भी खा लेते हैं, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो करते नहीं है फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट अपनी किचन में और रेसिपी भी शेयर नहीं करेंगे, बस थोड़ा 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 बना के दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बने रहना आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बन चुके हैं मतलब छोटे छोटे से हैप्पी के लिए भल्ले बनाए हैं और मिर्च के हैं पकौड़े, तो किस किस को मिर्च के पकौड़े पसंद हैं, और जो इसके बीज होते हैं वो मैं निकाल के तभी आलू भरती हूँ ताकि ये तीखे ना लगें, और वैसे भी तीखा हमारे घर पे बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल खाई जाती है, बिल्कुल भी तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स चाय नाश्ता हमारा हो गया था, अब मैं करूँगी लंच बनाने की तैयारी, क्योंकि फटाफट लंच भी हमें बनाना है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पनीर कट, और जो हमें मतलब पनीर में डालना है जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, ये सब मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था, क्योंकि सब्जी को कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है, उसको मतलब उसकी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पनीर कट कर रही हूँ, और बिल्कुल पतला पतला कट करूँगी, क्योंकि पनीर है वो हमारा कुछ मुझे कम लग रहा है, क्योंकि ये मतलब कल लेके आए थे, तो थोड़ा सा पनीर मैंने कुछ ऐसे ही सूखी मतलब भुर्जी बनाई थी तो वो मैंने कल बना ली थी, और इसके बाद इतना पनीर बचा था तो मैंने सोचा चलो इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी लगती है ना, और पनीर की भुर्जी भी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मैंने कोई रेसिपी उसकी शेयर नहीं की, क्योंकि फ्रेंड्स इतना मुझे टाइम, इतना काम हो जाता है दुकान की वजह से, पार्लर की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है कि जल्दी जल्दी करो, और इस टाइम रक्षाबंधन का टाइम है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा इस समय आ रहे हैं, इसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि फटाफट से अपना काम निपटाओ, फटाक से पार्लर में पहुंच जाओ, सो बस वहीं इसी वजह से चलो मेरा भी खाना जल्दी हो जाता है, मतलब लंच हमारा जल्दी बन जाता है तो हम भी फ्री हो जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा पनीर है वो कट हो चुका है, अब मैं बनाऊंगी, इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, सीधा डायरेक्ट आपको हम अपनी थाली दिखाएंगे, ठीक है, तो बने रहना प्लीज़।
सो फ्रेंड्स, बन चुका है हमारा लंच और टाइम हो गया है दोपहर के 1 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो ये रही हमारी लंच की थाली। तो पनीर हमारा कुछ ऐसा बना था, पर टमाटर की मैंने प्यूरी डाली थी, इस वजह से टमाटर मतलब कट करके नहीं डाला था, बस ऐसे ही मैंने पीस के डाल दिया था। तो बस अच्छा लग रहा था, टेस्ट में अच्छा लग रहा था। एक मिर्च मैंने इस तरीके से फ्राई की है। तो आप भी आ जाइएगा, कर लेते हैं लंच अपना। इसके बाद फ्रेंड्स टाइम हो गया था, 3:30 बज चुके थे। ये भी जल्दी आ गए थे यार, तो ये लेके आए थे छेने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक ही मैंने कटोरी में सबको लगा दिया, अलग अलग किसी को कटोरी नहीं दी है, इसी में हम तीनों लोग खा लेंगे। और यहाँ पे इस मतलब चींटियाँ हैं, उनको पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी मिठास पहुँच जाती है, मतलब उनको महक आ जाती है, तो वो एकदम से आ जाती हैं। तो मीठा खाना मुझे थोड़ा कम पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी ली है नमकीन, थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। तो बस सभी लोग तीनों लोग खाएंगे, है ना। तो बस ये रहा हमारा हल्का फुल्का शाम का नाश्ता फ्रेंड्स। और डिनर में क्या बनेगा वो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, वो शाम को पता चलेगा। तो यहाँ कर लेते हैं फ्रेंड्स शाम का नाश्ता, ठीक है। सो फाइनली फ्रेंड्स हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 7, और उसके बाद कोई मैंने मतलब व्लॉग वगैरह शूट ही नहीं किया, कुछ बनाया ही नहीं। और आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है, कि क्या बताऊँ, मतलब एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे फ्रेंड्स देख के। तो बहुत छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा था। तो हमारे घर के सामने जो हमारी एक फ्रेंड है उन्हीं का बेटा था, तो फ्रेंड्स हैप्पी के साथ वो खेल रहा था, और जो मतलब उनकी मम्मा थी वो हमारे पास बैठी थी, हम भी वहीं बैठे थे। तो ध्यान नहीं दिया किसी ने कि मतलब वो बच्चा कहाँ पे खेल रहा है, और हैप्पी इतनी समझदार हैं, तो हैप्पी की वजह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मतलब हैप्पी संभाल लेंगे उसको, हैप्पी उसको खिलाएंगे अपने साथ। लेकिन वो एकदम से रोड है, आपने देखी होगा, और काफ़ी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रोड वो चलती है, मतलब यहाँ से ये रोड जो गई है आपको दिखाऊं, तो ये रोड इसके आगे बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पुखराया के ही बाज़ार करते हैं, जैसे कि आज शनिवार का दिन था, तो यहाँ पे सब्जी मंडी बहुत से लोग, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बहुत भीड़ होती है बाज़ार को, तो यहीं से लोग काफ़ी लोग लेने आते हैं। सो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इस दिन गाड़ियाँ चलती, खासकर बाज़ार वाले दिन बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। तो हैप्पी के साथ खेल रहा था, तो हैप्पी ने उसको मारा, ठीक है, हैप्पी को उसने मारा, तो हैप्पी उसको मारने चली गई। तो उसको लगा कहीं हैप्पी हमें मतलब तेज ना मार दें या कस के ना मार दें, तो वो दौड़ के रोड के पास पहुंच गया। तो हम लोग ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे ही वो रोड के पास पहुंचा, वहां से इधर से वहां गाड़ी जा रही थी, तो वो भी फ्रेंड्स गाड़ी इतनी तेज स्पीड में, लोग ये नहीं देखते हैं कि मोहल्ले में बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो किस तरीके की हमें गाड़ी चलानी चाहिए, वो भी तेज स्पीड और वो भी नशे के साथ, ठीक है, नशे के साथ गाड़ी चला रहे थे। तो ये तो बहुत भगवान का शुक्र है कि जो मतलब जॉन बेटा था उनके पापा थे, शायद अगर वो नहीं होते तो हम लेडीज ना उसको पकड़ पाते, वो तुरंत निकल जाता यहाँ से, एकदम बहुत फुल स्पीड में था वो निकल जाता, लेकिन उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया और लेके गए हॉस्पिटल, की जो भी खर्चा होगा तुम आज दोगे। तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है फ्रेंड्स कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अब ये है बच्चा है, थोड़ी बहुत तो लगी होगी, है ना, दहशत में कुछ वो ज़्यादा डर गया था, तो बहुत तेज़ी रो रहा था, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बहुत तेज़ अंदरूनी चोट ना हो उसको, कि कोई मतलब हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो एक्सरे वगैरह हुआ है उसमें कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल आया है, तो बहुत अच्छा लगा। और जब वो आया तो मैंने उसको खिलाया तो हंसने लगा, पैर भी उसने मतलब चलाए अपने अच्छे खासे, और वो खेलने भी लगा था, तो चलो कहीं लगी नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस यही कहूँगी जो गाड़ियाँ चलाते हैं ये नहीं देखते हैं हमें किस स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए, है ना, कि बच्चे हैं, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, और वो भी पीने के साथ, और उसकी गाड़ी के ब्रेक भी फेल, देखो कितनी चीज़ें उसकी थी कि ब्रेक भी नहीं थे, ब्रेक क्या बोलते हैं, ब्रेक भी फेल थे और स्पीड भी थी, और फुल पी के गाड़ी चला रहे थे। तो कम से कम 2-4 चपाट तो उनको लगाई उसके पापा ने, 2-4 चपेट तो लगा दी थी। लेकिन हाँ, अब जब यहाँ से निकलेंगे तो ये याद तो रहेगा उनको कि हमें इस रास्ते से किस तरीके से निकलना है, और उसको ही नहीं हर किसी को ही आराम से निकलना चाहिए, गाड़ी बहुत ही आराम से चलानी चाहिए। पता नहीं कब दौड़ के कहाँ से बच्चा आ जाए, है ना, खेलते खेलते। सो फ्रेंड बस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। बस थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, तो वो भी टेंशन अब थोड़ी सी अच्छा लग रहा है, जब उसको कुछ नहीं निकला है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और
सच में बहुत छोटा सा है, मासूम सा है, कहीं उसको लग जाती तो बहुत ज़्यादा, जब बड़ों को लग जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, वो तो मासूम सा है तो टेंशन हो गई थी। तो फिर बारिश भी होने लगी है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।